खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी पार्षद ने हाथ जोड़कर पैर छूकर माफी मांगी है। अस्पताल संचालक से 20,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी और रुपए की रंगदारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मामले में समझौता कराया है, ऐसा कहा जा रहा है। अस्पताल संचालक से बीजेपी पार्षद ने सबके सामने माफी मांगी है और बीजेपी पार्षद के हाथ जोड़कर पैर छूकर माफी मांगते वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो मेरठ से खबर है, जहां बीजेपी पार्षद ने हाथ जोड़कर और पैर छूकर माफी मांगी है। दरअसल अस्पताल संचालक से माफी 20,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मामले में समझौता कराया है। तो अस्पताल संचालक से बीजेपी पार्षद ने सबके सामने माफी मांगी और बीजेपी पार्षद के हाथ जोड़कर पैर छूकर माफी मांगने का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। अतुल शर्मा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी नए नए पार्षद बने, रंगदारी मांगने लगे, फिर माफी मांगने लगे, पूरा मामला क्या है ये? देखिए राजेश, ये मेरठ के वार्ड नंबर 18 के भाजपाई पार्षद का मामला है, जहां पर नए नवेले पार्षद ने पार्षद बनने के तुरंत बाद रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक मंत्री हैं, इस वक्त वो सब विकास के कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन नए नवेले पार्षद ने पार्षद बनने के बाद एक निजी अस्पताल संचालक से रंगदारी मांगने का काम किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बैठ करके समझौता कराया और वहां पर पार्षद को पैर छूने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल यह है, देखिए विपक्ष का सवाल है कि दलित पार्षद से पैर छुड़वाए गए, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि जिस तरह से जो पार्षद है, पार्षद बनने के बाद तुरंत एक निजी संचालक से, अस्पताल संचालक से रंगदारी मांगने का काम करता है, उसको लेकर के पार्टी के लोग पदाधिकारियों में खलबली मचती है, क्योंकि जो अस्पताल संचालक है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्षद जी ने अपना रुतबा दिखाते हुए, क्षेत्र की बात की जाए, जो रविंदर भैया पार्षद है, उसने पार्षद बनने के बाद तुरंत पहला काम विकास पे ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन यहां मेरठ की बात की जाए तो पार्षद जी रंगदारी मांगने में जुटे हुए हैं। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता का और आला कमान तक की अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आला कमान ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक के मीटिंग की है और उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माफी मंगवाने का काम किया गया है। लेकिन जिस तरह से जो रविंदर भैया पार्षद है वो दलित समाज से है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष इस वक्त हमलावर हो रहा है कि दलित पार्षद से पैर छुड़वाने का काम किया गया है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि नए नवेले पार्षद बनने के बाद रंगदारी मांगना शुरू कर दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ही रंगदारी पार्षद जी मांग रहे हैं। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी कई मामले सामने आए, लेकिन सवाल यह है कि पार्षद बनने के बाद विकास पर ध्यान नहीं है, केवल ध्यान है तो रंगदारी पर, कमाई पर, क्योंकि चुनाव में खर्च हुआ है और उस चुनाव को निकाल, क्या गुंडा प्रवृत्ति इनकी रही है, क्या ऐसे पहले भी उनपे मुकदमे दर्ज हैं जो इन्होंने पार्षद बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, रंगदारी मांगना शुरू कर दी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रविंदर भैया बसपा में 2017 से 22 तक पार्षद रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शामिल करता है और टिकट पाने के बाद दोबारा से पार्षद बन जाता है और वहीं क्षेत्र की जनता ने भरोसा करने के बाद रविंदर भैया को दोबारा पार्षद बनाया और उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रविंदर भैया क्षेत्र की ही जनता को लूटने के लिए निकले हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। एक निजी अस्पताल है, शिव शक्ति अस्पताल है, जिसके मालिक से संजय प्रधान से रंगदारी मांगी गई और रंगदारी का जो मामला है, सबसे बड़ी बात यह कि जो रंगदारी की कीमत थी वो अभी तक ओपन नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे मांगे थे साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद माफी जरूर मांगती हुई तस्वीर सामने आई है। बहुत